मधुबनी जिले के झंझारपुर में मधुबनी जिला पुलिस कप्तान डॉक्टर सतप्रकाश ने बीते देर शाम अररिया ओपी थाना क्षेत्र की पॉलिटेक्निक कॉलेज में जिले सभी डीएसपी और एसएचओ के साथ अपराध नियंत्रण को लेकर मानसिक क्राइम मीटिंग की। एसपी डॉक्टर सतप्रकाश ने बारी बारी से सभी डीएसपी और विभिन्न थाने के एसएचओ से 3 साल से लंबित मामले को जल्द से जल्द निष्पादन और जमीनी विवाद व तालाब से जुड़े मामले को 2 दिनों के अंदर हल करने का निर्देश दिया। शराब मामले को लेकर उन्होंने कहा कि शराबियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, शराब कारोबारी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए और अपराधी प्रवृत्ति के लोगों पर नज़र रखें और जो भी शराब और अपराध के मामले में अभियुक्त हैं उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जाए। इस बैठक में झंझारपुर डीएसपी आशीष आनंद, फुलपरास डीएसपी प्रभात शर्मा सहित तमाम पुलिस बल मौजूद थे। बीटी न्यूज़ बिहार के लिए मधुबनी से पप्पू पूर्वे की रिपोर्ट। अगर पंचायत चुनाव डिक्लेयर हो जाता है तो आपका फोर्स मूवमेंट होने लग जाएगा, केसेस पे इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए कस्क डिस्पोजल करिएगा, पूरा कस्क गिरफ्तारी एकदम, पूरा जहां भी शराब का कोई जरा सा भी सूचना मिलता है ना उसको तुरंत गिरफ्तारी करिए, किसी भी क्षेत्र में मिल जाएगा 2 चौकीदार तो चिन्हित करिए, कहीं ऐसा है तो है कहीं पर ऐसा तो बोलो, मैं खुल के बता रहा हूँ। एसआर में भी इतना ज्यादा हम लोग कोशिश किए, पकड़ कर लिखवाना होगा। देखिए इस महीना अगर अब अप्रैल अगर नहीं करा पाइएगा ना तो आप भूल जाइए, मई जून सारा फोर्स मूवमेंट रहेगा, समझ रहे हैं ना। अगर पंचायत चुनाव डिक्लेयर हो जाता है तो आपका फोर्स मूवमेंट होने लग जाएगा, केसेस पे इफेक्ट पड़ेगा इसका, इसलिए कस्क डिस्पोजल करिए, अब पूरा कस्क गिरफ्तारी एकदम, पूरा जहां भी शराब का कोई जरा सा भी सूचना मिलता है ना उसको तुरंत गिरफ्तारी करिए, किसी भी क्षेत्र में मिल जाएगा 2 चौकीदार को चिन्हित करिए, कहीं ऐसा है तो है कहीं पर ऐसा तो बोलो, खुल के बता रहा हूँ। सर्कल इंस्पेक्टर और एसडीपीओ को बोला गया है पिछले 2 से 3 साल में जितने भी भूमि विवाद हैं, जो भी उसका कारण है उसका स्पष्ट रूप से रिपोर्ट मांगा गया है और जितने भी इसमें कांड दर्ज हुए हैं उसमें उसकी अद्यतन क्या स्थिति है, ये सभी को 2 दिनों के अंदर सख्त निर्देश दिया गया है कि उसको जानकारी दें और कहीं पर भी इस तरह का मामला है जो तालाब से रिलेटेड या अन्य किसी आपसी रंजिश के भी कारण उसकी सूची तैयार करें और उस सूची तैयार करके उस पर अग्रतर कार्रवाई, चाहे निरोधात्मक कार्रवाई या गिरफ्तारी नहीं हुआ तो गिरफ्तारी की कार्रवाई, और वैसे सभी कांड का रिव्यू करेंगे जहाँ पर लगता है कि एक अभी छूटा हुआ है या एक जेल में है, उन सब का भी